सुप्रभात, गुड मॉर्निंग आप सबको। मेरा नमस्ते, बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार। मैं हूँ रिंकी, यूपी ब्लॉग आगरा से। 9:30 और यहाँ पे हम कर रहे हैं नाश्ता। दिखाती हूँ, मैंने एक मिनट पराठे, मतलब पानी भरा गया। चलिए मिलते हैं आगे अपने ब्लॉग में, और शायद मैं भी फ्रेश हो लूँ अच्छे से। थैंक यू फिर से अगेन सुप्रभात। ये मैंने कचौड़ी ली है, और वो खैर चाय ये लला के पापा की रखी है। वो अभी मंदिर गए हैं, वहाँ से आके आने वाले हैं, फिर वो चाय पियेंगे। ये मैंने रात का दूध था जो मैंने गर्म करके रख दिया। ये मैं अपनी चाय पी रही हूँ, और बेबी अपना आधा पी गया, आधा छोड़ गया। ये रात का दूध है। ये हम पराठे खा रहे हैं, जो मैंने रात की रोटी के मतलब पराठे बना दिए तेल लगा, वो घी लगा कर रिफाइंड घी। और उसके बाद ये बैंगन बनाऊँगी आज मैं, और बाकी का काम आप देख सकते हैं। ये लेट के दूध पी रहा है। चलिए, और कपड़े भी मैंने धोने डाल दिए हैं, सो वो उसके बाद मैं कुछ खाने की तैयारी करूँगी। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको मेरी देखो गाइस, बंदर आए और बंदर क्या नुकसान कर गए। देखो पूरा ये गेहूँ कंट्रोल का था, सारे फैला के चले गए। अब मुझे इन्हें फाड़ दिया, बहुत बंदर थे। अब मैं ये सारा फैला रहा समेट दूँ, उसके बाद मैं आपसे मंदिर से कुछ ले तो नहीं गए। और ध्यान रखना पड़ता है, वैसे तो भगवान जी से भी, उसने क्या फूलों से भी हाथ नहीं लगाया मंदिर के। बहुत बंदर थे, बहुत यकीन मानिए, पर वो सब गेहूँ पे टूट पड़े, तो उन्होंने फोकस ही नहीं किया मतलब कहीं और। चलो आगे मिलते हैं। सब इसकी कमी है, इसने बोला मैंने कुंडी लगा दी, और मैं नहा रही थी इसलिए मैं नहीं आ पाई। देखिए गाइस, मैं अपने बैंगन कट कर लिए पतले पतले, क्यों ही पतले वाले बैंगन थे, और साथ में मैंने आलू भी कट कर लिए ये, ठीक है। और ये मैंने प्याज मिर्च, उनको धोकर वॉश करके लेके आती हूँ। और आप कहेंगे मैंने मेहंदी लगाई, मैंने मेहंदी नहीं है, ट्यूब वाली जो होती है वो रखा था, उसको साल भर हो गए तो ऐसे ही लगा ली, मुझे आती नहीं पर लगाना। चलिए मैं आपको इसको धो के सब्जी को, मैंने आपको सॉरी इसकी कटिंग नहीं दिखाई, अगली बार जरूर बनाऊंगी तो कटिंग ज़रूर दिखाऊंगी मैं। अभी मैं छोपने की तैयारी करती हूँ, और मुझे बड़ी ज़ोर से भूख लग रही है, इसलिए मैंने कट कट जल्दी कर दी। ओके प्याज हरी मिर्च बस, मेरा तेल हो गया लगभग, जीरा भी हो गया, तो इसको भी मैं डाल दूंगी। धनिया पाउडर, मिर्ची, घर का गरम मसाला थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। उसके बाद इसमें पानी, एक चम्मच नमक नहीं डालूंगा, ड्राई
टमाटर नहीं है, टमाटर खत्म हो गए हैं। कल चटनी बनाई थी तो अब मम्मी भी नहीं है, मम्मी ठीक हो जाएंगे बस जल्दी। मेरे पास ही अभी यहाँ रखे रखे सूख रही है तो मैं इस धनिया को भी डाल दूँगी, क्योंकि टमाटर नहीं है मेरे पास इसलिए मैं इस धनिया को भी डाल दूँगी। मेरी धनिया तो मैं इसे छोटे 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 पीस करके इसी में ऐड कर देंगे, इसी में डाल दूँगी। वैसे तो बैंगन अपना पानी छोड़ेगा पर फिर भी डाल दूँ। मेरी सब्जी एकदम हो गई है, यहाँ मैं हरा धनिया डाल देती हूँ। भूख सो मैंने नहीं खाया है सुबह से कुछ, तो मुझे ऐसे ही और बन गई है मेरी सब्जी, मैं आपको शो करा देती हूँ। देखिए पूरी अच्छी तरीके से बनी हुई है, बस आपको मेरी सब्जी कैसी लगी आप खा लीजिए। मैं अपनी प्लेट लगा के लेके जा रही हूँ, मैं भी खा रही हूँ और आप सब भी रोटी खा लीजिए। और मेरा बेबी भी खा रहा है बैठ के, इसको भी पराठा से खा रहा है। नमस्ते कर दो बेटू खाना खा रहा है। चलिए बाद में मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।